ज्यादा भीड़ जो है हमें अयोध्या में देखने के लिए नहीं मिल रही है। बिल्कुल देखिए, हम आपको बात को साफ तौर पर बता दें, ये जो बहराइच सदर विधानसभा है, ये पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल का गृह जनपद है। उन्होंने 5 बार के विधायक वकार अहमद शाह के पत्नी वापैदा को उन्होंने हराया था। उस पर योगी सरकार ने उनको तोहफा देते हुए कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था, लेकिन उस मंत्री पद को योगी की मंत्री अनुपमा जायसवाल संभाल नहीं सकी और 1.5 साल में ही उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। यहाँ पर मतदाताओं ने, यहाँ पर अमित शाह भी आए, तमाम गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक यहाँ पर आए, उन्हें तमाम उन्होंने दावे किए कि हम विकास करेंगे और जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारेंगे। अनिल, आप इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद है? हम सदर विधानसभा के पुलिस लाइन बूथ पर हैं, जहां पर लगातार, ये शहर का बूथ है जहां पर लगातार वोटरों की संख्या दिन बढ़ती ही जा रही है। 8:58 हो चुके हैं और अच्छी खासी तादाद में यहां पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। देखिए, यहां बुजुर्गवान हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ भाई साहब, क्या नाम है? बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी, हाँ जी, हाँ बलवंत जी, बताइए। सरकार के बहुत से दावे थे, इधर देखिए, सरकार के तमाम से दावे थे। वो कहते थे हम विकास करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब तमाम उनके दावे थे। क्या समझते हैं आप? हम लोगों को योगी जी और मोदी जी पे बिल्कुल 100% भरोसा है, अपने विधायक पे कोई यकीन। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है। उन्होंने बताया कि हमें योगी और मोदी पे बहुत बड़ा भरोसा है, लेकिन अपने विधायक अनुपमा जायसवाल पे भरोसा नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कह दी है। लगातार जिस प्रकार से हम बराबर कहते चले आ रहे थे कि अनुपमा जायसवाल का विरोध है, लेकिन योगी मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट दिया जा रहा है। कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है या बिल्कुल, और अनिल, ऐसी तस्वीरें हमने पिछले चरणों में देखी है जहाँ पर मतदाता ये तो कहता है कि हमें योगी आदित्यनाथ पे, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, लेकिन अपने विधायक पर भरोसा नहीं है, लेकिन हम फिर भी योगी और मोदी के नाम पर वोट देंगे। ऐसी बहुत सारी तस्वीर हमने पहले भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एक युवा मतदाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी हाँ बताइए, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर विधायिका का विरोध है कि योगी मोदी के नाम पर आप वोट करेंगे? जी क्या नाम है, पहले नाम बताएं अपना। मैं नितिन बंसल, जिलेपेन, और यहाँ पे जो है विधायिका जी का तो विरोध है, लेकिन आजकल जितने भी वोट पड़ेंगे आज भी तो सब योगी और मोदी के नाम पर ही पड़ेंगे, क्योंकि उनसे हमें पूरा भरोसा है कि वो देश के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी अच्छा, और क्या आपके दावे, क्या मुद्दे हैं, क्या विचार हैं, क्या आप सोचते हैं? मुझे हमारे जो भी चीजें काम उन्होंने अभी तक किए उसमें देश के हित में सबसे अच्छे काम किए। जी बिल्कुल, ये देखिए कुछ युवा मतदाता हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाँ, ये क्या नाम है? आकाश कुमार श्रीवास्तव जी। आकाश जी, हमें बताइए किन मुद्दों पे आप वोट करते रहे हैं? हम नौकरियों पे करते हैं, और बताइए। और तो सपा सरकार कह रही है कि 11 लाख नौकरी देंगे। हमारे मतलब मुद्दे इसी पे हैं, सपा सरकार कह रही है कि हम 11 लाख नौकरियां देंगे, तो क्या सोचते हैं आप? अगर कह रही है तो वो देंगे, और जिन्होंने कहा है वो पूरा किया है, और जो सड़कें बनी है, जो हाईवे बना है हमारा, ये भी जिन्होंने मतलब जिन्होंने जो सरकार जो कहते हैं वो पूरा होता ही है। तो आपको भी पहली बार आपने मत दिया? हाँ, मेरा पहले। देखिए, ये युवा मतदाता हैं और इन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है और इन्होंने बताया कि हम योगी सरकार ने जो भी दावे किए थे तो पूरे हुए। देखिए, काफी बुजुर्गवान एक मतदाता हैं, बहराइच के काफी वरिष्ठ, यहाँ पर एक बिजनेसमैन हैं, श्री राधेश्याम खन्ना जी, हम उनसे बात की। काफी बुजुर्गवान हैं, करीब कितने बसंत आपने देख डाले? 78 बसंत इन्होंने देख डाले हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे से काफी बुजुर्गवान मतदाता हमारे साथ में। जी राधेश्याम खन्ना जी, हमें बताइए क्या प्राथमिकता आपकी रही है? जी बताएं। विकास अगर देखिए, बहुत बड़ी बात राधेश्याम खन्ना जी ने कही है। इस जिले के, शहर के काफी प्रतिष्ठित बिजनेसमैन में से एक हैं श्री राधेश्याम खन्ना जी। उन्होंने बताया कि विकास और गुंडागर्दी, विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आजकल युवा से लेकर जो बुजुर्ग मतदाता है वो अपने मतों का प्रयोग कहीं ना कहीं सोच समझ कर रहे हैं। उनका इशारा साफ है कि जो विकास करेगा, गुंडागर्दी खत्म करेगा, हम वोट बिल्कुल। ये तो हो गई अनिल, ये तो हो गई शहरी इलाकों की बात। यहाँ पर आम जनता कह रही है कि हमें रोजगार चाहिए, हम वैसे खुश हैं, जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है, लेकिन अगर बहराइच के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हम जाएं तो वहां का मतदाता क्या कहता है? क्योंकि आप इन चुनावों में लगातार ग्रामीण इलाकों में गए हैं, वहां से कई लोगों से आपने बातचीत की है, आम जनता के क्या हालात है वो जानने की कोशिश की है, क्या उनकी परेशानियां हैं, ये भी आपने खबरें पहुंचाई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताएं, बहराइच जो जिला है ये इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब,
यहाँ पर तमाम आतंकवादी गतिविधियां रहा करती थी और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तमाम पाकिस्तान के जासूस मसरूर को पकड़ा, दाऊद खान सामा को पकड़ा, तमाम आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तीन आतंकवादियों को ही रुपया बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो और एटीएस का थाना भी बहराइच में बना हुआ है, और हम आपको बता दें जो इंडो नेपाल बॉर्डर का ये जिला बहराइच है, यहाँ पर इसे सत्ता हुआ विधानसभा बलहा है, बलहा के अंतर्गत ऐसी तमाम जन सुविधाएं होनी चाहिए थी। आपको हमें चीज दूसरे से बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो ग्रामीण प्रवेश की बातें हैं कहीं ना कहीं वो आम आदमियों को रुला ही देती हैं कि वो जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था वो विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से मतदाता घर से बाहर निकल चुका है और वोट डालने के अपने मता का प्रयोग कर रहा है। जी बिल्कुल अनिल, तो इसे समझा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में तो लोग खुश हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में आम जनता इन 5 सालों से खुश नहीं है। तो क्या ग्रामीण इलाकों में परिवर्तन की राह पर आगे आम जनता चल चुकी है? नहीं, ग्रामीण परिवर्तन की राह पर तो जाना चाहता है लेकिन जिस प्रकार से उसकी महिला सुरक्षा को लेकर, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर जो उनके दावे थे, उन दावों पर काफी कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आए, क्योंकि वो उनको राशन चाहिए, ग्रामीणों को कहीं ना कहीं राशन मिलता रहा। 5 साल के लिए मुफ्त राशन की बात तो अखिलेश यादव कह चुके हैं। क्या अनिल तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अनिल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से। तो जिस तरह से बहराइच को उन्होंने समझाया है, बखूबी समझाया है, बहराइच सदर पर वो मौजूद है, उस बूथ संख्या पर मौजूद है जहां पर आम जनता पहुंच रही है, लगातार वो आम जनता से, मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आम जनता ने बताया उससे ये समझ में आता है कि भले ही आम जनता बहराइच की विधायक से खुश हो या ना हो लेकिन योगी मोदी से बेहद खुश है और उनके नाम पर वोट डालने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अगर ग्रामीण इलाकों का उन्होंने जिक्र किया तो ग्रामीण इलाकों में राशन की जो बात है, क्योंकि इस चरण में हमने जो छुट्टा आसान है और इसके अलावा जो राशन का मुद्दा था ये सबसे ज्यादा गर्माया है। तो ऐसे में बहराइच जैसा कि ये जिला जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, यहाँ पर कई ऐसी गतिविधियां होती है, कई बार तस्करों के पकड़े जाने की खबरें भी सामने आती है, ये तमाम चीजें ये मुद्दे हैं। इसके अलावा राशन, क्योंकि वैसे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 5 सालों तक राशन मुफ्त दिया जाएगा, ये अहम फैक्टर हो सकता है।